नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। हम लोग मई वाली क्रॉनिकल मैगज़ीन के बारे में पढ़ रहे हैं और इस समय हम लोग आज हमारा चैप्टर है बैंकिंग और बीमा। बैंकिंग और बीमा में हमारी पहली न्यूज है कि BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया पर 564 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयकर विभाग ने 28 मार्च को बैंक ऑफ इंडिया पर कई नियमों के उल्लंघन को लेकर 564 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि आयकर विभाग ने हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है, तो आपको याद होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया पर। आगे अगली न्यूज है हमारी कि आर ए जी की शिवालिक बैंक के साथ साझेदारी। देखते हैं हम लोग, अनाज वाणिज्य मंच REG ने किसानों, कृषि प्रोफेसरों और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में किस बैंक ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो REG। आप लोग याद रखिएगा। अगली न्यूज है हमारी कि अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने को मंजूरी दे दी गई है। किसने दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन की फिनटेक शाखा अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने को मंजूरी दे दी है। अमेजन की फिनटेक शाखा अमेजन पे के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI लाइसेंस होता है इस समय। उसके बाद अगली न्यूज है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन के लिए इस पर भी जुर्माना लगाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर जुर्माना किसने लगाया है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया इसने जुर्माना लगाया है। FIU इंडिया ने 1 मार्च को पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। आगे हम लोग देखते हैं, FIU इंडिया को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयों और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिससे इस पर जुर्माना लगाया गया। इसे पूछा जाएगा, नाम याद रखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक। आगे है कि फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ UPI सेवाएं लॉन्च की है। तो ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर 3 मार्च को अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस शुरू की है। यह सर्विस अभी शुरुआती तौर पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। इससे ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने और भी आसान विकल्प मिलेंगे। बता दें कि वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? तो अमेजन है, जो पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे जैसे सर्विसों को देता है अपने प्लेटफॉर्म पर, इसीलिए इसने भी लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।